पहले मैं सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत अपने संगठन बीएसएफ परशुराम सेना के तरफ से होली की शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम पंडित अजीत कुमार पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएफ परशुराम सेना से हूं। एक कार्यक्रम मऊ जनपद के तमसा गेस्ट हाउस में एक ब्राह्मण होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ इस होली मिलन समारोह में जनपद के जितने भी ब्राह्मण भाइयों का जो है प्रतिभाग हुआ है, बहुत लोग आए हैं और आज जो है संगठन द्वारा मऊ जनपद के प्रसिद्ध मंदिर शीतला मंदिर के पुजारी को आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दीपक महाराज को, और अगला कार्यक्रम वहीं पर किया जाएगा और उनको संगठन मजबूत करने के लिए कहा गया है और संगठन को हर हाल में मजबूत करेंगे। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं, आज समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियां को जो ब्राह्मणों को टारगेट करती थी, ब्राह्मणों को उत्पीड़न करती थी, वो मिट चुकी है और कुछ लोग जो ब्राह्मण का उत्पीड़न किया वो खुद मिट जाता है और आने वाले समय में लोग मिट जाएंगे। जिन्होंने रामायण जलाया उनके ऊपर रासुका लगा हुआ है और उनको मेरे इस मंच के माध्यम से चैलेंज है बीएसएफ परशुराम की तरफ से, अगर पीछे जला दिए अगर उनकी हिम्मत हो तो सामने आकर जलाएं, उनकी औकात बता दी जाएगी। कड़ी नियम का मतलब यह कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, संगठन के सबके विचार विमर्श के अनुसार जो भी चुनाव होगा, चुनाव को देखते हुए हम लोगों को जिसको समर्थन करना होगा किया जाएगा। अभी किसी को चुनाव लड़ने की, हमारे संगठन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, समय बताएगा क्या किया जाए। देखिए, ब्राह्मण का उत्पीड़न कम हुआ, चर्चा ज्यादा देखा जाएगा। सभी लोग संगठित रहे।